1986 की पहली समाही थी। मैं चित्राल स्काउट्स में द्रोश के छोटे से हॉस्टल में पोस्टिंग पर था, जिसमें बहुत महदूद तबी सहूलियात थे। मेरे साथ सिर्फ एक सर्जन और एक एनेस्थीसिया का डॉक्टर था। इन दिनों रशियन एयरफोर्स ने अफगानिस्तान में बमबारी करके बस्तियों की बस्तियां उजाड़ दी थी और अब वो चित्राल वैली में इन कैंपस का रुख कर रहे थे, जहां से मुजाहिदीन को कमक पहुंचती थी। हमारे दरोश किला से 15 किलोमीटर दूर मेरखनी के पास कल्टक नामी अफगान कैंप में तकरीबन 30,000 मुहाजरीन मकीन थे। हम रोजाना वहां जाते और उनसे दरखास्त करते के कैंप पर बमबारी का बहुत खतरा है, इसलिए आप रातों को ब्लैकआउट पर अमल किया करें। उनके मुजाहिदीन लीडर भी मजबूरी जाहिर कर देते कि लोग नहीं मानते। हर दफा हमें वहां से सिर्फ एक ही जवाब मिलता था, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, कुछ नहीं होता। अगली रात फिर सब जनरेटर चल रहे होते और कैंप में एक जश्न का समां बना रहता। गुजरते वक्त के साथ इलाके में दूर दूर रशियन बम्बार त्यारे चक्कर लगाने लगे थे और हम बहुत परेशान थे। लोगों की लापरवाही से तंग आकर कमांडेंट चित्राल स्काउट्स ने फैसला किया कि इन महाजरीन को उनकी मर्जी पर छोड़ दिया जाए, ताकि ये खुद फैसला करें कि रात को ब्लैकआउट करेंगे या नहीं। 17 मार्च की रात थी। कल्टक कैंप जगमग जगमग कर रहा था, जबकि द्रोश किला के इर्द गिर्द की सिविल आबादियों में मुकम्मल ब्लैकआउट था। फजर से जरा पहले 5 से 6 रशियन बम्बार तैयारों ने कैंप पर बम बरसाने शुरू किए और तबाही मचा दी। खुदा की पनाह, 15 किलोमीटर दूर से भी हमें लोगों की चीखों पुकार साफ सुनाई दे रही थी। हर तरफ आग के शोले उठ रहे थे। सुबह होने तक 1500 से ज्यादा लोग जान बहक हो चुके थे और हजारों जख्मी थे। हम सिर्फ 3 फौजी और 4 सिविलियन डॉक्टर्स अपने स्टाफ के साथ उन जख्मियों की देखभाल में मशगूल थे। कब्रें खोद खोद कर लोग हलकान हो चुके थे, लाशें धूप में बेयारो मददगार पड़ी थी और कोई दफनाने वाला ना था। नुकसान के हुजम का अंदाजा इससे लगा लें कि तीसरे दिन उस वक्त के सदरे पाकिस्तान जनरल जियाउल हक को दरूश का दौरा करना पड़ा और पूरी दुनिया में शोर मच गया। उस रात जो कुछ भी हुआ, उसके बाद मैंने जनवरी 1987 तक उस कैंप में फिर रात को कभी रोशनी होते नहीं देखी। फिर उसके बाद तो मैं पन्नू आकल पोस्टिंग आ गया था। मेरे ख्याल में अब लॉकडाउन, मास्क पहनो, घर में रहो, सामाजिक फासले रखो जैसे लेक्चर बंद करने होंगे। कसाई डॉक्टर्स को मजीद फ्रंट लाइन सिपाही बनने की कोई जरूरत नहीं। कोरोना से मरने वालों की लाशें वर्षा के हवाले कर देनी चाहिए, ताकि वो मरवजा रस्म और रवाज के मुताबिक दफनाने के बाद वलीमे जैसे खानों का बंदोबस्त कर सकें और अपनी नाक बचा सके। अब वक्त आ गया है कि डॉक्टर्स अपनी महराना राय और काबिलियत अपने पास संभाल कर रखें और सिर्फ अपनी फिक्र करें। उनको चाहिए कि लोगों को उनकी मर्जी पर छोड़ दें। चंद दिनों में जो नतायज सामने आए वो आ जाएं और कौम अपने तजर्बे की रोशनी में खुद फैसले करे कि उसे क्या करना चाहिए। लॉकडाउन में कौम का एक शख्स भी भूखा मरता नहीं देखा गया, मगर ये अंदाजा हो गया है कि अगर उनको ईद की शॉपिंग से रोका गया तो उस सदमे से ये लोग जरूर मर जाएंगे। अल्लाह हम सबको हदायत दे और हर वबा से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन।